अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज जी हमारी सुबह का आगाज़ लेक लुइस से हो रहा है, जो कि दुनिया की हसीन तरीन लेक है। अगर आप कैलगरी से लेक लुइस की तरफ जा रहे हैं तो आपको 1.5 आवर लगेगा बाय रोड, और अगर आप, क्योंकि हम रेवल स्टॉक में ठहरे हुए थे, हमारा अपना घर था, तो हमें तकरीबन 2.5 आवर लग गए लेक लुइस तक पहुँचने में। ये लेक अपने एक मखसूस पानी के रंग की वजह से दुनिया में मशहूर है और कनाडा की सबसे खूबसूरत लेक इसको तसव्वुर किया जाता है, क्योंकि ग्लेशियर का पानी डायरेक्ट इसमें मेल्ट होता है और ये कुदरत का एक हसीन शाहकार है, जो कि रॉकी माउंटेन्स के बीच में ये एक लेक है। यहाँ पर और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक बोटिंग, क्लाइंबिंग, हाइकिंग, और अगर आप विंटर्स में आते हैं तो यहाँ पर आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं लेक मोरेन की तरफ, जो कि तकरीबन 14 किलोमीटर तक है लेक लुइस से उसका डिस्टेंस। और मुझे पर्सनली लेक मोरेन लेक लुइस से ज़्यादा खूबसूरत लगी, क्योंकि ये कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जिसको आप प्रेज किए बगैर रह ही नहीं सकते। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी लेक ज़्यादा पसंद आई, लेक लुइस या ये वाली लेक मोरेन। सारा घूमने फिरने के बाद हमें भूख काफ़ी सता रही थी, तो फिर हमने रुख किया एक डाउनटाउन का, और हमारे नज़दीक इस वक्त था बैफ डाउनटाउन। और ये नेचुरल डाउनटाउन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जिसमें एक साइड पे डाउनटाउन के पहाड़ थे और दूसरी साइड पे फॉरेस्ट थे, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। टॉप क्लास के रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और बार्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, और मेन थिंग इज़ कि हमें यहाँ पे काफ़ी देसी रेस्टोरेंट्स मिले जो कि पाकिस्तानी इंडियन थे, और फिर हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट पे वहाँ पे खाना खाया, विच वॉज सो गुड। और अगर आप बैफ डाउनटाउन आए हैं और आपने यहाँ पे फेमस काउज आइसक्रीम नहीं ट्राई की, तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया। ये लंबी लंबी लाइनें अगर आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये सब लोग यहाँ पे आइसक्रीम लेने के लिए खड़े हैं। सो जी, ओवरऑल द डे वॉज सो गुड, और अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने मज़ीद आगे जाना है और मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करनी हैं। बल्कि ये सामने आप देख रहे होंगे फेयर माउंट स्प्रिंग फील्ड्स होटल, जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है, और मैं चाह रही थी कि मैं इसका विज़िट करूँ लेकिन टाइम नहीं था। और ये आप देख रहे हैं बो फॉल्स, हम थोड़ा सा हाइकिंग करके हमने नीचे जाना था, और बो फॉल्स तब ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती, लेकिन क्योंकि हमने वापस आना था रेवल स्टॉक, और यहाँ पे सदरन फॉल्स भी हमने विज़िट की, क्योंकि हमारे पास ये लास्ट डे था और नेक्स्ट डे हमने वापस कैलगरी में जो है वो सफ़र करना था, इसलिए हम आज जो हैं वो मैक्सिमम स्पॉट्स एक्सप्लोर करने थे। फ़ाइनली जी हम अब पहुंच गए हैं कैलगरी वापस, और मेरी बर्थडे आ रही थी 2 दिन के बाद, और मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, और अगर हम मॉल में आएँ और सफोरा का विज़िट ना करें, ये तो पॉसिबल नहीं था। और सेकंड थिंग इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि मॉल सारे एक जैसे होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, दुबई हो या कनाडा हो, मॉल्स तो सारे एक जैसे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर शॉप सारी एक जैसी होती हैं, ब्रांड सारे एक जैसे होते हैं, पर डिफरेंस क्या है, आपने सिर्फ शॉपिंग ही करनी होती है। लेकिन एटलीस्ट ये एडमिंटन मॉल से तो बहुत अच्छा और लग्जरी मॉल था, और यहाँ पे सारे तकरीबन ब्रांड्स भी मौजूद थे। इस मॉल का नाम बताना मैं भूल गई, और इसका नाम है क्रॉस आयरन मिल्स मॉल, जो कैलगरी में है, और अगर आप कनाडा आएँ तो मस्ट विज़िट दिस मॉल, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मॉल था। अब हम यहाँ से निकल के वापस जा रहे थे, और क्या मौसम था, यकीन जाने, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश स्टार्ट हो गई, और इसके बाद क्योंकि हमने होटल जाना था और अपनी पैकिंग सारी कंप्लीट करके हमने अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी थी,
और इससे पहले एज़ यूजुअल हम कैलगरी में एक फेमस रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो कि कड़ाही बॉयज़ के नाम से है, मस्ट ट्राई दिस। ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है। टोरंटो में मिसिसागा में भी ये रेस्टोरेंट्स हैं और इसकी काफ़ी सारी फ्रेंचाइजेज और डिफरेंट ब्रांचेज हैं डिफरेंट सिटीज़ में, लेकिन हमने सिर्फ यही वाली ट्राई की और बहुत अमेजिंग थी। उसके बाद हमने सोचा कैलगरी से जा ही रहे हैं तो हम क्यों ना कैलगरी डाउनटाउन विजिट कर लें। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अभी कनाडा सीरीज़ का इख्तिताम नहीं हुआ क्योंकि अभी मोस्ट एडवेंचरस ट्रिप अभी बाकी है, क्योंकि मेरी बर्थडे आने वाली है और मैं अपनी बर्थडे कहाँ और कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।